नमस्कार, मैं गणेश पौसन। आप देख रहे हैं न्यूज 12 असम नॉर्थ से खास कार्यक्रम द ग्राउंड रिपोर्ट। कार्बियांग से होकर गुजरने वाले 39 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग में सक्रिय काठ तस्करों का भंडाफोड़ तब हुआ जब सिलोनीजन वन विभाग ने बृहद परिमाण में काठ से भरे ट्रकों को जब्त किया। शुक्रवार को सिलोनीजन वन विभाग ने 3 ट्रकों को जब्त किया जिसमें करीबन 13 लाख से अधिक का बर्मिस काठ बरामद हुआ। असम सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी राज्य में थमने का नाम नहीं ले रहा सिंडिकेट। शराब, सुपारी, कोयला, पत्थर, बालू के बाद अब पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ एक बृहद सिंडिकेट सक्रिय हो गया है। असम और नागालैंड के कुछ सक्रिय माफियाओं के नेतृत्व में अब राज्य में फिर से सक्रिय है काठ का काला कारोबार। बर्मिस सुपारी के बाद अब बर्मिस काठ का बृहद कारोबार धड़ल्ले से चलाए जाने का भंडाफोड़ हुआ कल जब बोकाधर के सिलोनीजन वन विभाग ने एक अभियान के दौरान नागालैंड की ओर से आ रहे 3 बर्मिस काठ भरती ट्रकों को पकड़ा। मामले की जानकारी मुताबिक एक सूचना के आधार पर शुक्रवार रात को पूर्व कार्बियांग वन संघ मंडल कार्यालय के अधीन सिलोनीजन वन विभाग के अधिकारियों ने 39 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग में एक विशेष तलाशी अभियान चलाकर गुवाहाटी की ओर जा रहे 3 बर्मिस काठ भरती ट्रक पकड़ा। पकड़े गए ट्रकों से वन विभाग ने कुल 86 केवी बर्मिस काठ बरामद किया जिसका बाजारी मूल्य लगभग 13 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। तार 3000 क्यूबिक मीटर तारे गवर्नमेंट वैल्यू अपनी जो दी साइ 12.71 लाख। वही वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार बर्मा से मणिपुर नागालैंड होते हुए बिना किसी वैध कागजात के असम में प्रवेश करने पर वन विभाग ने उक्त गाड़ियों को जब्त कर लिया। आमी बर्तमान एज पर ट्रेंजिट फॉर वायलेशंस ऑफ ट्रेंजिट लॉस एखिनि आधार आमी केसर रुजु करिम। गाड़ीखन जेतिया जब्द करा होइसिले तार कोनो नथिपत्र नासिले गने अंडर ट्रेंजिट लॉस एखिनि आमी सीज करिम। बहरहाल वन विभाग के अधिकारी तीनों बर्मिस काठ से भर्ती ट्रकों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गए हैं। उल्लेखनीय है कि कार्बियांग जिले के बोकाधर महाकमे के अंतर्गत 36 और 39 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग में कुछ काठ तस्करों द्वारा अभी भी कार्बियांग जिले से कुंडा और काठों की तस्करी की जा रही है, मगर इस मामले में कार्बियांग वन विभाग की चुप्पी कहीं ना कहीं तस्करों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। फिलहाल शुक्रवार को जब तीनों बर्मिस काठ भर्ती ट्रकों को पार करवाने में किसका हाथ था इस पर वन विभाग ने कुछ नहीं बताया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। Welcome to Srishti English Academy, the temple of learning, where every child is unique and nourishment of uniqueness is emphasized so that each and every child can flourishes to maximum according to their potentialities, which has been our trust in our educational and curriculum process. Child is the center of our educational planning as we believe that a child is the purest form of God. Build a strong foundation and fall in love with learning. Explore, experience and learn with joy of learning with Srishti English Academy. Hurry up, we have limited seat. Please step in for quality education and all-round development under one umbrella. For more details, please contact or visit the office of the chairman, managing director at Srishti English Academy.